बीते दिनों गीड़ा क्षेत्र में हुई लूट की घटना से जुड़े अपराधियों को धर दबोचने के लिए सीओ कंपियरगंज के नेतृत्व में एसओ सहजनवा, एसओ राजघाट और स्वाट टीम ने अपराधियों को पकड़ने के लिए खास रणनीति के तहत लूट के दो अपराधी राजन चौधरी निवासी डांगीपार थाना खोराबार और सोनू कुमार गौड़ निवासी सेंदुली वंदुली थाना खोराबार पकड़े गए हैं, जबकि तीन अन्य अपराधी भागने में सफल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से नगदी सहित एक अदद 315 बोर का कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। सोमवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ गणेश साहा ने कहा, सहजनवा में दो तीन दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, लगभग 5,20,000 की लूट हुई थी हमारे उजाला चौराहे के पास से। उसी घटना का अनावरण आज के लिए पीसी की जा रही है, जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन व्यक्ति का आपको फरार चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो टिंकू श्रीवास्तव है, जहसरी में ड्राइवर का काम करते हैं, उन्होंने ही पूरी घटना की को कैसे किया जाएगा मुखबिरी की थी और पैसे कहाँ रखे जाते थे, कैसे ले जाते थे, सारी बातें उन्होंने बताई थी और उसके बाद ही इन्होंने प्लान करके घटना को अंजाम दिया। पुलिस की सघन चेकिंग में और जो हमें कुछ सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको दो लोग सुरेश चौहान और एक और व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं। 2,20,000 रुपये बरामद हुए, इनके पास एक कट्टा 315 बोर्ड का भी बरामद हुआ है। बाकी जो तीन लोग फरार हैं उसके लिए सघन चेकिंग अभियान की जा रही है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाए।